हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे कम किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। यह इंटरव्यू में पूछा जाने वाला प्रश्न भी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पावर फैक्टर जो होता है वो एसी सप्लाई में पावर फैक्टर होता है, डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर नहीं होता है। डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर नहीं होता है, एसी सप्लाई में ही पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों, पावर फैक्टर जो होता है वो एसी सप्लाई में पावर फैक्टर होता है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी होती है, और डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर नहीं होता है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वेवफॉर्म नहीं होती है। तो डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर नहीं होता है, एसी सप्लाई में पावर फैक्टर होता है जो कि इसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। एसी सप्लाई में भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है जिसमें कि एसी सप्लाई में इस टाइप की वेवफॉर्म होती है, वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म होती है वह इस टाइप की वेवफॉर्म होती है एसी सप्लाई में, जो कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो उसमें एसी सप्लाई में इस टाइप की जो वेवफॉर्म होती है उसमें इस तरह से जो यह एक चक्र है, इस तरह के 50 चक्र, एक सेकंड में 50 चक्र पूरे होते हैं। और यदि फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो उसमें इस टाइप की जो साइकिल होती है पूरी, वह एक सेकंड में 60 साइकिल्स पूरी होती है, 60 चक्र पूरे होते हैं। पावर फैक्टर भी एसी सप्लाई में होता है, जो कि 3 टाइप का पावर फैक्टर होता है। एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में PF लगते हैं, और दूसरा होता है लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, और तीसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर। तो दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर जो होता है वो प्योर पावर फैक्टर होता है, उसमें पावर फैक्टर एक होता है जो कि सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज और करंट दोनों ही साथ साथ चलते हैं, जैसे कि इस टाइप की वेवफॉर्म है जो कि जिसमें कि यह वोल्टेज की वेवफॉर्म है और यह करंट की वेवफॉर्म है जो कि साथ में स्टार्ट हो रही है और साथ में ही एंड हो रही है। यह करंट की वेवफॉर्म है जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जिसमें कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वह cos φ होता है। इसमें यूनिटी पावर फैक्टर है जिसमें कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जिसमें कि cos φ का मान 1 है। यह यूनिटी पावर फैक्टर की वेवफॉर्म है। और लैगिंग पावर फैक्टर होता है जिसमें कि इस टाइप की वेवफॉर्म होती है, जिसमें कि यह वोल्टेज की वेवफॉर्म है और इसमें करंट पीछे रह जाता है लैगिंग पावर फैक्टर में, जो कि इस टाइप से वेवफॉर्म होती है इसकी, जिसमें कि यह आगे की वेवफॉर्म वोल्टेज की है और यह पीछे वाली जो वेवफॉर्म है यह करंट की वेवफॉर्म है। लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज आगे होता है और करंट पीछे रह जाता है, जिसे कि लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। और लैगिंग पावर फैक्टर का मान लगभग 0.8 या फिर 0.9 होता है। और एक है लीडिंग पावर फैक्टर जिसमें कि वोल्टेज पीछे रहता है और करंट आगे चलता है इसमें, जैसे कि यह वोल्टेज की वेवफॉर्म हो गई, जिसमें कि यह वोल्टेज की वेवफॉर्म हो गई और यह करंट की वेवफॉर्म है। और दोस्तों, इसमें एसी सप्लाई में लोड भी 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि एक होता है रजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। रजिस्टिव लोड जो होता है उसमें वो उपकरण आते हैं जो गर्म होकर काम करते हैं, गर्म होकर यूज में होते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, जैसे कि बल्ब, हीटर और गीजर, आयरन, बल्ब, हीटर, गीजर और आयरन, ये लोड है जिनमें कि एलिमेंट गर्म होते हैं और ये गर्म होके काम करते हैं, जो कि रजिस्टिव लोड में आते हैं। तो इनमें पावर फैक्टर एक होता है, इनका पावर फैक्टर प्योर पावर फैक्टर होता है। और इंडक्टिव लोड में वह उपकरण आते हैं जो कि मैग्नेट से चलते हैं, जिनमें मैग्नेट जनरेट होती है और चलते हैं, जो कि जिसमें कि जैसे कि मोटर हो गई, मोटर इंडक्टिव लोड में आती है, जिसमें कि स्टेटर में हम सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज या 3 फेज की सप्लाई देते हैं, जिसमें कि मैग्नेट जनरेट होती है और उससे रोटर घूमता है।
तो वह इंडक्टिव लोड के अंदर आते हैं। इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर प्योर पावर फैक्टर नहीं होता है, बल्कि 0.8 या फिर 0.9 पावर फैक्टर होता है इसका। इंडक्टिव लोड जो होता है उसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है, और रजिस्टिव लोड जो होता है उसमें यूनिटी पावर फैक्टर होता है, जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों साथ में चलते हैं रजिस्टिव लोड में। और इंडक्टिव लोड जो होता है उसमें वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलता है, जिसकी वेव फॉर्म यह है। इंडक्टिव लोड में लैगिंग पावर फैक्टर होता है, रजिस्टिव लोड में यूनिटी पावर फैक्टर होता है, और कैपेसिटिव लोड जो होता है उसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है। कैपेसिटिव लोड में करंट आगे चलता है और वोल्टेज पीछे चलता है। कैपेसिटिव लोड में वह उपकरण आते हैं जिनमें हम कैपेसिटर लगा के उनका पावर फैक्टर बढ़ा देते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज होती है उनमें मोटर में या पावर फैक्टर कम होता है, या फिर उनका पावर फैक्टर खराब होता है जिसमें कैपेसिटर लगा के उनका पावर फैक्टर बढ़ा देते हैं। जैसे ही कोई मोटर है जिसमें कि पावर फैक्टर 0.8 या फिर 0.9 है, तो उसमें कैपेसिटर लगाएंगे जिससे कि पावर फैक्टर 0.9 से 1 हो जाएगा, और उसमें अधिक पावर फैक्टर लगाएंगे तो पावर फैक्टर माइनस में हो जाएगा, जैसे कि -0.8, 0.9। पावर फैक्टर 1 से अधिक नहीं होता है, पावर फैक्टर अधिक पावर फैक्टर बढ़ाने पर 1 के बाद माइनस में हो जाते हैं 0.8, 0.9। और जो पावर फैक्टर माइनस में होते हैं 0.8, 0.9 वह लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और दोस्तों, पावर फैक्टर जो होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वही पावर फैक्टर होता है, जिसमें कि वोल्टेज आगे या करंट पीछे होता है, या फिर करंट आगे या वोल्टेज पीछे होता है। और दोस्तों, इंटरव्यू में इस तरह से जो प्रश्न पूछा जाता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो उसमें शॉर्ट में यही जवाब देना होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे पावर फैक्टर कहते हैं। एसी सप्लाई में जो वेवफॉर्म होती है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वही पावर फैक्टर होता है। और पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि कैपेसिटर लगा के हम पावर फैक्टर बढ़ा सकते हैं। यदि लैगिंग पावर फैक्टर है तो उसमें हम कैपेसिटर लगा के पावर फैक्टर बढ़ाएंगे तो लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, जिसमें कि करंट आगे हो जाएगा और वोल्टेज पीछे हो जाएगा। और दोस्तों, इंडक्टिव लोड है जिसमें कि पावर फैक्टर 0.8 या फिर 0.9 है, तो उसमें हमें इतने ही कैपेसिटर लगाने हैं जिससे कि पावर फैक्टर का मान 1 हो जाए, और उससे अधिक कैपेसिटर नहीं लगाने हैं, जिससे कि अधिक कैपेसिटर लगाएंगे तो जिससे कि पावर फैक्टर अधिक हो जाएगा, जो कि लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। हमें मशीन में दोनों ही पावर फैक्टर में लॉस होता है, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर दोनों में ही लॉस होता है, तो उसमें हमें पावर फैक्टर 1 हो जाए इतना ही कैपेसिटर लगाने हैं जिससे कि यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। यूनिटी पावर फैक्टर ही सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होता है। और दोस्तों, अब देख लेते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला, जिसमें पावर का फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई कोस फाई, जिसमें कोस फाई पावर फैक्टर होता है। तो उसमें हमें पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कोस फाई बराबर पी अपॉन वी आई, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोस फाई बराबर किलोवाट अपॉन के वी ए, जिसमें किलोवाट पावर हो गया और के वी ए वी आई हो गया, और कोस फाई बराबर ट्रूअल पावर अपॉन अपरेंट पावर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल की एसी सप्लाई में 3 पावर फैक्टर होते हैं, जिसमें कि एक यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, और लैगिंग पावर फैक्टर जो होता है उसमें वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलता है, जिसमें कि हमें करंट और वोल्टेज को बराबर करने के लिए कैपेसिटर लगाने होते हैं, जिसमें कि हम कैपेसिटर लगा के करंट को वोल्टेज के बराबर कर सकते हैं। और यदि अधिक कैपेसिटर लग जाते हैं जिससे कि करंट वोल्टेज से आगे हो जाता है, तो वह लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।